स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा और अरमान को एक साथ सारा परिवार देखना चाहता है सिवाय दादीसा के। दादीसा अब तक तैयार नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के हो जाएं, इसलिए दादीसा खूब खरी खोटी सुनाती हैं अबीरा और अरमान दोनों को। अरमान और अबीरा दोनों से कहती हैं कि तुम लोग शादी करना चाहते हो, तुम लोग एक होना चाहते हो, बिल्कुल करो, लेकिन मेरा आशीर्वाद कभी तुम लोगों के साथ नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें बददुआ देती हूँ अबीरा, तुम कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगी, तुम्हारी ये शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, तुम हमेशा दुखी रहोगी। अबीरा जैसे ही ये सारे शब्द दादी सा के मुँह से सुनती है अपने लिए उसे बहुत बुरा लगता है। उसने कभी भी दादी सा का बुरा नहीं किया, फिर आखिर दादी सा उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? अबीरा समझ ही नहीं पाती। अरमान और अबीरा दोनों ही दादी सा के इन शब्दों को सुनकर एकदम से टूट जाते हैं। दादी सा बड़े ही गुस्से में ये सब करके वहाँ से चली जाती है, कार उठाती है और खुद ड्राइव करके कहीं चली जाती है। अबीरा अरमान की शादी का दादी सा को बहुत बड़ा सदमा लगा है। इस बात का भी बुरा लगा है कि अचानक से अबीरा के आने पर अरमान उनकी बिल्कुल नहीं सुनता, उनकी बात काटता है। यही सब सोच सोच के जब वो ड्राइव कर रही होंगी तो दादी सा को हार्ट अटैक आ जाएगा और फिर जाहिर सी बात है उनकी गाड़ी ठुक जाएगी, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। जब रूही को इस बारे में पता चलेगा तो वो अबीरा को सारे परिवार के सामने सुनाएगी और कहेगी इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, चाहे तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन सच्चाई यही है। अबीरा को रूही की बात सुनकर बहुत बुरा लगेगा कि दादी सा की इस हालत की जिम्मेदार अबीरा खुद है। अब इसके बाद क्या होगा अबीरा का अगला स्टेप, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।